अमरोधी जिले के जुड़वा नगरी अचलपुर में विदर्भ राज्य समिति के युवा नेता बंटी केजरीवाल के नेतृत्व में महावितरण कार्यालय के सामने ठिया व बिजली बिल जलाओ आंदोलन किया गया और इसमें विविध मांगों को लेकर निवेदन भी दिया गया। इस आंदोलन में स्वाभिमान भ्रष्टाचार निर्मूल समिति, समता परिषद, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस व्यापारी संगठना, मानव अधिकार हक, जय हनुमान सुंदरकांड भजन मंडल सहित अन्य संगठनाओं ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। इस आंदोलन में कहा गया कि विदर्भ में भारी पैमाने पर बिजली का उत्पादन किया जाता है, बावजूद इसके विदर्भ वासियों को महंगी बिजली दी जा रही है और किसानों को भी बिजली बिल में माफी दी जाए एवं बिल में लगाए जाने वाले अतिरिक्त कर को हटाया जाए, बीपीएल धारकों को कम कीमत की बिजली दी जाए, साथ ही मीटर भाड़े की राशि को खत्म किया जाए, महावितरण कंपनी द्वारा लगाए जाने वाले करों को भी खत्म किया जाए, बिजली बिल कनेक्शन तुरंत दिए जाए। अशा महिलांना आपण न्याय द्यायचा नाही तर कोणाला द्यायचा हे आम्ही ठरवलं होतं, म्हणून बंटी भाऊनं आम्हाला फोन केला। तर हे तर एक अधिकाऱ्याला निवेदन देण्यासाठी तर खूपच चांगलं झालं आणि त्यांना आम्ही हे सांगू इच्छितो की हा अत्याचार आम्ही बिलाचा सहन करणार नाही आहे, कारण याच्यामध्ये जे मीटर भाडं आकारला जात आहे हे कशामुळं, कारण ते तर ॲडव्हान्समध्ये मीटर जेव्हा आपण घेतो तेव्हा ते मीटर भाडं आपण तेव्हाच ॲडव्हान्समध्ये भरतो आणि तरी आपल्याला दर महिन्याला मीटर भाडं हे वाढून येत आहे। आदि मांगों को लेकर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के युवा नेता बंटी केजरीवाल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। आपको बता दें कि 1 अगस्त की सुबह ही महावितरण कंपनी द्वारा ग्राहक कायद निवारण शिविर का भी आयोजन किया गया था और उसके बाद में इतना बड़ा आंदोलन। इस आंदोलन में अनुष्का बेलोकार, पूजा सातपुते, कल्पना सातपुते, लहाने मैडम, दीक्षित मैडम, छाया चिरडे, कैलाश गणेश पल्लवी डोंगरे, संगीता छाया वैद्य, सुल्तान पटेल, रवीन गवई, राहुल वानकड़े, सोहन कोलापुरे, नरेंद्र शर्मा, गोलू धोबे, मनीष गौली, पंकज गुप्ता आदि समस्त संगठनाओं के कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित थे। आंदोलन समिति की ओर से ये भी इशारा किया गया कि आने वाले समय में यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो ऊर्जा मंत्री बावन कुड़े के घर के सामने आंदोलन किया जाएगा। VCN न्यूज़ के लिए अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन।